यात्रियों के लिए चलाई जा रही एसटी की पर्यटन बस को फिलहाल बारिश ने ब्रेक लगा दिया है। गत दो सप्ताह से यात्री नहीं आने से इस बस को नहीं चलाया जा रहा है। आइए डालते हैं इस पर एक नजर। यात्रियों के लिए चलाई जा रही एसटी की पर्यटन बस को बारिश ने ब्रेक लगा दिया है। गत दो सप्ताह से यात्री नहीं आने से इस बस को चलाया नहीं गया है। शनिवार तक भी इसके लिए एक भी बुकिंग नहीं थी। एसटी महामंडल की ओर से 22 मई से नागपुर गणेशपेट बस स्टैंड से इस पर्यटन बस का शुभारम्भ किया गया था। यह बस केवल रविवार को एक दिन और सार्वजनिक छुट्टी के दिन चलाई जा रही थी। सुबह 8 बजे बस 6 जगह घुमाकर यात्रियों को वापस गणेशपेट बस स्टैंड में छोड़ती है। ऐसे में से यात्रियों का अच्छा खासा प्रतिसाद भी मिल रहा था। नागपुर जिले में कई ऐसे पर्यटन स्थल मौजूद हैं जहां लोग छुट्टी के दिन जाकर घूमना पसंद करते हैं, लेकिन एक दिन में केवल एक या दो स्पॉट ही वह घूम सकते हैं, जिसका मुख्य कारण निजी वाहनों का किराया बहुत ज्यादा होता है। खुद के वाहन से जाने पर थकावट महसूस होती है। ऐसे में उपरोक्त बस के माध्यम से अदासा, खिंडसी, रामटेक और आखिरी में ड्रैगन पैलेस होकर वापस गणेशपेट पहुंचते हैं। इस बस का किराया 230 रुपए, वहीं बच्चों का 130 रुपए है। लेकिन गत कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे हर जगह पानी पानी हो गया है। ऐसे में उपरोक्त बस में एक भी यात्री नहीं पहुँच रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहन के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़, नागपुर।